सो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप Instagram यूज़ करते हैं, Instagram के अंदर अगर आपको स्टोरी लगाते टाइम इफेक्ट का ऑप्शन शो नहीं होता है, जैसे कि आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं 3 स्टार बने हुए हैं, यहाँ से आप अपने इफ़ेक्ट्स वगैरह चूज़ कर सकते हैं अपने Instagram स्टोरी के लिए। अगर आपको यहाँ पर इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है जिनसे आपको ये शो हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। इसके लिए आपको सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है गाइस। सबसे पहले आपको आप यहाँ पर प्ले स्टोर पर आना है और प्ले स्टोर में आने के बाद आपका जो इंस्टाग्राम है उसको सर्च करना है। इंस्टाग्राम यहाँ से सर्च कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम का मुझे अपडेट आया हुआ है। मे भी हो सकता है अगर आपको अपडेट आया हो और आपको अपडेट ना कर रखा हो आपने, तो अपडेट की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है या इफ़ेक्ट जो है वो शो नहीं हो सकते, तो इसलिए अपडेट करें। सबसे पहले कर लें अपडेट, जैसे ही आप अपडेट कर लेंगे आपकी प्रॉब्लम जो अपडेट करने से चली जाएगी। अगर अपडेट करने के बाद भी प्रॉब्लम सेम एज इट इज़ बनी रहती है तो उसके बाद आपको सेटिंग में आना है, स्क्रॉल करना है नीचे, ऐप्स पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद मैनेज ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको आना है। फिर यहाँ पर आपको एक सर्च बार दिखेगा, सर्च बार में आपको इंस्टाग्राम को सर्च करना होगा। लिखता हूँ मैं इंस्टाग्राम, यहाँ पर इंस्टाग्राम को सर्च कर लेते हैं। इंस्टाग्राम आ चुका है, यहाँ पर इंस्टाग्राम को ओके करना है, यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर ऊपर आपको स्टोरेज देखने को मिल रहा है, स्टोरेज पर आना है, नीचे क्लियर डेटा है इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले इसका क्लियर कैच करना है, क्लियर कैच करने के बाद देखना है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, नहीं होती तो क्लियर ऑल डेटा करना है। क्लियर ऑल डेटा करते ही आप लॉग आउट हो जाएंगे, फिर लॉग इन जैसे ही करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको स्टोरी लगाते टाइम इफेक्ट का ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर ये सब करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको फाइनली क्या करना है, इंस्टाग्राम को ओपन करना है, प्रोफाइल पर आना है, ऊपर 3 लाइंस पर क्लिक करना है, सेटिंग पर आना है, नीचे आपको अकाउंट के नीचे हेल्प का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, हेल्प पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप हेल्प पर क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर आइएगा, यहाँ पर फिर से रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी गाइज, यहाँ पर आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, लिखना क्या है यहाँ पर, लिखना आपको हेलो इंस्टाग्राम टीम, इन माय इंस्टाग्राम स्टोरी इफेक्ट नॉट शोइंग, प्लीज़ फिक्स दिस इशू एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पर थैंक्स इंस्टाग्राम टीम, और नीचे गैलरी है और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ऐड हुआ हुआ है, तो इसको यहाँ से क्रॉस के निशान पर कट कर दें और गैलरी पर आकर जो आपकी प्रॉब्लम थी उसका यहाँ पर आप जो है स्क्रीनशॉट ऐड कर दें और नेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे इंस्टाग्राम के पास आपका जो प्रॉब्लम है वो चला जाएगा, आपकी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी और विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी जाएगी इंस्टाग्राम की तरफ से। सो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था, होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।